ए दृश्य हेउछि ब्रह्मपुर रेल स्टेशन रो स्टेशन रे असंभाळ भिड़। महाराष्ट्र और गुजरात रे कोरोना रो स्थिति संगीन हेबा परे एबे पूर्णी थरे घरमुहा होइछन्ति प्रवासी। रोजगार कथा भूली निज जीवन बंचाइबा पई ट्रेन जोगे गाँ अभिमुखे चली आसुछन्ति हजार हजार लोके, जहाँ एबे सरकार को चिंता बढ़िछे। प्रवासी द्वारा पूर्णी थरे केमिति राज्य रे कोरोना न व्यापिब ताकू नहीं सरकार आरंभ कले सजबाज। बंद हो पड़ा टीएमसी गुड़ी को पुणि थे खोलने राज्य सरकार पक्षर् जिलापाल मानू निर्देश दि जाइएपरि छत्तीसगढ़ में करोनार भयावहता को देख बस चलाचल बंद करने को निष्पत्ति बेले विभाग मंत्री कहते आम तर्जमा करुछु खूब शीघ्र विभाग पक्षर् एसओपी जारी करा। बॉर्डर चेकिंग पॉइंट रे आरटीओ माने चेकिंग करेंगे, जहाँ गाइडलाइन रही आधार करी चेकिंग कराजुए बोली मंत्री कहते। यह बढ़ुवा कोरोना संक्रमण भितर साधारण बस रे यातायात करुवा जात्री मानक सुरक्षा पई कौन कटकणा करा जीवो से नहीं आमे आलोचना करी निष्पत्ति नेबू बोली कहते परिवहन मंत्री। होम आइसोलेशन एबे होम आइसोलेशन ताके दिया हिची दरकार पड़िले बेसी संख्या बढ़िले त विचार कर विगत पुल पुल आपन जो व्यवस्था करा हिदला सेटा भी करा जाई परे एबे तो ओइसे सारा भारत रे माने माने केतेटा राज्य रे बढ़ुछ हमर रफली समस्त सबुटी अलर्ट रहया पई दैछंती त गए कोले टीएमसी रे भी लोक रखा विगत थरो एते देखन एते कोरोना बढ़िले भी लोकंकर मन रे भय नाही सामना सर गला थरो जो भय थिला से भय नाही एवं लिमिटेड केतेटा राज्य रे बढ़ुछ सबुटी सारा भारत रे बोडुन बॉर्डर चेक पॉइंट रे जो अछि बॉर्डर चेक पॉइंट रे चेक करिया पय जो व्यवस्था अछि सेटा हमर आरटीओ माने जो माने अछि से माने सब करबे विभागीय आरटीओ जो माने अछि से माने सब बॉर्डर चेक करबे तुमन छत्तीसगढ़ रो परिस्थिति जहा से अनुसार गुटे एसआरसी कर ए जो चिट्ठी हेछि विभाग को हमर सेति बारे हम टिक पर्यालोचना करिकरि आलोचना करिकि ताको आमे कार्यक्रम केमति हबो यदि ताको अटका जाय पारले त निश्चित आरो भलो। सेपटे छत्तीसगढ़ पई पश्चिम ओडिशा रे सृष्टि होइतबा भयंकर परिस्थिति विषय रे समीक्षा करबा को पहुंचीथिले मुख्य शासन सचिव स्वास्थ्य विभाग रो अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव और डीएमईटी सीबीके महांती। कलाहांडी और नुआपड़ा जिला गस्त कर स्थितर समीक्षा करबा सह विभिन्न अधिकारी मानक सह बैठक करिछंती। स्थिति मुकाबला लागि समस्त आवश्यक भित्तिभूमि जोगाई दिया जियो बोली कहिछंती मुख्य शासन सचिव। एवरीबॉडी हैज टू वेयर अ मास्क अपन बहुत स्ट्रिक्टली कले अपन जानते सीएम 1000 रुपीस और 2000 रुपीस फाइन कर चंदे एंड इट अ फर्स्ट और सेकंड ऑफेंस पे तापर ऑफेंस होला 5000 रुपीस एंड देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट मेसेज अपन लिखित है यदि मास्क न पहनेवे देन यू फेस लॉकडाउन यदि मास्क पहनेवे तले लॉकडाउन करना अवॉइड कर करे अपन लॉकडाउन इकोनॉमिक एक्टिविटी विल गो ऑन सो इकोनॉमिक एक्टिविटी विल अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स गुड्स व्हीकल्स जे परिवार देखियो को अच्छे के जे जिनस पत्र लेके जाउ छने दैट विल बी अलाउड बट एवरीबॉडी हैज टू वेयर मास्क वी आर नॉट एनफोर्सिंग बैन ऑन एनी प्रोडक्ट बुझतले। कोविड रो एपरि काया भितरे नवरंगपुर जिला प्रशासन आज सीमा सील करिछे। पड़ोसी राज्यरु जेमिति ओडिसा को कोनोसी लोक आसी परिबे नाही से दिगरे कटकणा को आहुरी कड़ाकड़ी करिछे जिला प्रशासन। नवरंगपुर परिमध्य झारसुगुड़ा भी सीमा गुड़िक चेकपोस्ट लगा जाई चेकिंग को कड़ाकड़ी करा जिबा सह समस्त स्क्रीनिंग करा जाउछि। ना देखंतु जहाँ राज्य सरकार एवं जिलापाल नवरंग निर्देश अच्छी आज आमर छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर सील कर आज अर्ली मॉर्निंग टू सील कर पुलिस टीम मुतयन अच्छा कौन सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अलाउ कर एंड जो मैंने भी आसवे जो प्राइवेट व्हीकल से मैंने आर्टिफिशियल 72 आवर्स भितर आर्टिफिशियल नेगेटिव रिपोर्ट नहीं किया सिबे। गत 24 घंटा रे राज्य रु चिन्हट होइछंती सर्वाधिक संक्रमित। गतकाली राज्य रु 1282 संक्रमित चिन्हट होइतिबा बेले शनिवार ए संख्या बढ़ी 1374 रे पहुंची छे, जहां भितर सर्वाधिक 355 जन संक्रमित सुंदरगढ़ रु चिन्हट होइतिबा बेले खोर्धा जिला रु चिन्हट होइछंती 193 जन संक्रमित। सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि राज्य रे पूणी आज आउ दुईटी मुंड नैछि कोरोना। केन्द्रापड़ा और बलांगीर जिलार जड़े लेखाएं कोरोना संक्रमित हो शनिवार प्राण हर तेरे एसबु भितर किंतु सचेतन होना साधारण लोके कोविड नियम उल्लंघन करोगे गत तीन दिन में प्राय 1 कोटी टंका जरिमाना आदाय कर पुलिस प्रशासन जो विशेषकर कमिश्नरेट पुलिस एवं आहरी कठोर पंथा अवलंबन करने को जाऊँगी भुवनेश्वर डीसीपी। मार्केट एरिया सब जगह बुल्क
ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛେ। ଯେଉଁମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଗଲା ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକି ଫାଇନ୍ର ଏମାଉଣ୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଯେପରି ଫାଇନ୍ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିବ ସେହିଭଳିଆ ସେମାନେ ଅନୁପାଳନ କରିବେ। କରୋନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣର ଏହି ଧାରାକୁ ଦେଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଆକଳନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଚକିତ କରିଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୈନିକ 26,000-30,000 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବେ। ମୋତେ ଆଉ 3-4 ମାସ ନିଅନ୍ତୁ, ମେ ଜୁନ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ 4 ମାସ ଯଦି ଆମେ ନେବା ଓଡ଼ିଶାରେ 3-4 ମାସ, ତାହେଲେ ଆମକୁ 4 ମାସ ଏପ୍ରିଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରୁ ମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ମାସେ, ମେ ଠୁ ଜୁନ 2 ମାସ, ଜୁନରୁ ଜୁଲାଇ 3 ମାସ, ଅଗଷ୍ଟ। ଯଦି ଏମିତି 20 ଗୁଣରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଏବେ ଯେଉଁଟା ଅଛି 1300, 20 ଗୁଣରେ ବଢ଼ିଲେ 26,000 ହେଇଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ, ତାର 20 ଗୁଣ ଯଦି ଭାବିପାରିଲେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ରେଟ୍ ଯଦି ହେବ କ'ଣ ହେବ, 26,000 20 ଗୁଣ ମାନେ ପର୍ ଡେ ମାନେ 500,000 କେସେସ୍ ପର୍ ଡେ, ସେ ତ ଆମେ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବା କି ଆମ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ରହିବ। ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ୱେବ୍ ବେଳକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ବେଶୀ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଥିଲେ ଯେ ଆମ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ସେଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ବି ଡରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଡରୁଥିଲେ ଇଏକୁ, ସେମାନେ ମେଜର୍ସ ନେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ୱେବ୍ଟାକୁ ଫ୍ଲାଟ୍ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ଡ୍ରାମାଟିକାଲି କମିଗଲା। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। 1.5 ଲକ୍ଷ ମୁହାଁ ହୋଇଛି ଦେଶର ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 1,45,384 ସଂକ୍ରମିତ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।